मैं कैसे कमा सकता हूं, भविष्य में किस चीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है, और वो चीज अगर मैं अभी करना शुरू कर दूं, एग्जाम्पल ले लो ना, कैरी मिनाटी का, कैरी मिनाटी का एग्जाम्पल लो, भुवन बाम का एग्जाम्पल लो, मैं मेरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूं आपको, क्योंकि मैं भी कभी कभार पूछ रहा हूं लक क्या होता है। लक इज एक्चुअली आपकी, आपने बहुत समय से प्रिपरेशन करके रखी और एक दिन ना वो अपॉर्चुनिटी खुल गई, बस आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिली, आप लकी हो जाते हो। सेम चीज किसके साथ थी, कैरी मिनाटी के साथ। कैरी मिनाटी वॉज द फर्स्ट पर्सन, इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने रोस्टिंग शुरू की थी, तब लोग एक्सेप्ट ही करते थे। जब लोग रोस्टिंग का कल्चर आया तो कैरी मिनाटी एकदम से फेमस हो गया, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी। भुवन बाम ने जो मल्टीपल कैरेक्टर की शुरुआत भुवन बाम ने की थी, जब इसका यू नो सिनेरियो आया तो भुवन बाम सबसे टॉप पे था। आप टेक्निकल गुरुजी को ले लो, टेक्निकल गुरुजी ने सबसे पहले इंडिया में, मतलब वो जो जब सबसे पहले लोगों में से वो शुमार थे जब टेक्निकल रिव्यू करने शुरू किए थे गैजेट्स के, और आज वो पायनियर है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा नाम है। फ्लाइंग बीस्ट का एग्जांपल ले लो, व्लॉगिंग में सबसे फेमस नाम है, क्योंकि उस बंदे ने जिस लेवल से व्लॉगिंग वो करते हैं वो उसके पायनियर है। आ रहा है समझ में? आशीष चंचलानी का एग्जांपल लो, अमित बड़ारा का एग्जांपल लो, वो अपने अपने जोनर में ये जो मल्टीपल यू नो टास्किंग करके या फिर फनी वीडियोस बना के, इनोवेटिव वीडियोस बना के फेमस हो गए। टीवीएफ का एग्जांपल लो, यूट्यूब जब शुरू में आया था, यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, जब यूट्यूब शुरू में आया था तो यूट्यूब बेसिकली उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। यूट्यूब से जब हम लोग यूट्यूब की जर्नी पढ़ने गए तो पता लगा 2011 में जब एंटर हुए थे इंडिया में, और यूट्यूब जब लोगों को बोलता था, क्रिएटर्स को बोलता था जो कि सिर्फ फिल्में बनाते थे और छोटे छोटे टीवी में इधर उधर अपनी सीरीज और ऐसा लॉन्च करते थे, तो उनको जब कहते था यूट्यूब वाला कि आप हमारे यहाँ पे फ्री में कॉन्टेंट डालो, तो कोई डालता ही नहीं था, बोले आप फेमस हो जाओ, कोई नहीं डालता था। धीरे धीरे इतना क्रेज बढ़ गया और आज यूट्यूब देख लो, 2006 में, आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, 2006 में गूगल ने यूट्यूब को ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। और आप बिलीव करोगे कि 2021 के फरवरी 2020 में, ऐसा डेटा निकल के आ रहा है, 2020 और 21, मतलब इसी एक दो महीने के अंदर ही उसने 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ 2 महीने में कमाए हैं।